इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जो T10 का आज का तीसरा मैच होगा ARS वर्सेस GSB के बीच इसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट मैच आपका कैसा गया देखिए, ली के लिए उनकी अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आपको मेरा रिजल्ट जरूर शेयर करूँगा। अभी एस अली के पॉइंट जो है ऐड होना बाकी है, जैसे वो ऐड हो जाएंगे तुरंत शेयर करूँगा मैं। तो ऑलमोस्ट मेरी जो विनिंग आई है 94K के समथिंग है, क्योंकि यही रीज़न से मैं, और लेकिन उसके बाद जो सेकेंड मैच था अगर मैं आपको बताऊँ, सो सेकेंड मैच के अंदर मैंने कॉन्टेस्ट ज्वाइन भी किए और वही सेम टीम से जो मैंने आपको शेयर किया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई जैसे कल जो आपने कल मैचेस तो खेले ही होंगे, तो शफीउल्लाह ने सेकेंड मैच में बॉलिंग की थी तो वो इस मैच में, बाकी जो भी आएगा रिजल्ट मैं आपको शेयर कर ही दूंगा। अब आप ध्यान देना, जो ये मैच है ARS और GSB का, इसमें देखिए कोई ऐसा तो है नहीं कि नई टीमें मैच खेल रही है, आपको टॉस के ऊपर गेम को समझना है कि जब ARS बैटिंग करे या बॉलिंग करे, एक टीम को टारगेट कर लो कोई सी को भी, तो कौन से प्लेयर ट्रम्प कार्ड होंगे। अब ध्यान से जब आप पूरा वीडियो देखोगे ना, मैं शॉर्ट और सही लेवल में आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ वीडियो को, लेकिन उससे पहले जो भी ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने इस वीडियो पर पहला, दूसरा और तीसरा लाइक और कमेंट किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। सबका जो प्राइज होगा ना शाम तक मिल जाएगा, ठीक है, और जितनी भी वीडियोज आएंगी सब में गिव अवे रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम टेलीग्राम से ज्वाइन होना। उसका रीज़न है जो आपको फाइनल टीम मिलेगी वो टेलीग्राम पर मिलेगी, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, वरना जैसे ही मैं आपको गेम समझा रहा हूँ उस हिसाब से आप अपनी टीम भी रेडी कर सकते हो। सो ध्यान से देखना वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए गाइज, यहाँ पे इन दोनों जो टीमों के मैचेस हुए हैं, कल ARS ने दो मैच खेले, एक विन किया एक हारा, GSB ने दो खेले, एक विन किया एक हारा, तो यानी कि दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंस वो इक्वल लेवल की रही है, और यही रीज़न से आपको 6-5 का कॉम्बिनेशन रेडी करना है दोनों टीमों में से, ठीक है। प्लेइंग 11 की मैं बात करता हूँ, वरुण रेड्डी जो कि एक बेहतरीन लेवल के बैट्समैन है, ओपनिंग करेंगे फर्स्ट मैच में 36, सेकंड मैच में 42, और ये ओपनिंग करेंगे अखिल सुगनाथन के साथ जिन्होंने बॉलिंग तो की नहीं और ओपनिंग करते हुए दो मैचेस में, एक में 9 रन और एक में 19 रन, ठीक है। इनके वन डाउन आएंगे तौकीर खान, ये सबसे बेस्ट प्लेयर है इस टीम के, ये सबसे बेस्ट प्लेयर है, मैंने स्टेट्स भी शेयर किया था आपको इस प्लेयर का। वन डाउन के बाद सेकंड डाउन आएंगे आपके जैनुल हसन, ये भी एक विकेट टेकर बॉलर है, उसके बाद आएंगे इजाज हाशमी, लास्ट के दो मैच में इनके 6 विकेट हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, और यही रीज़न से ये भी आपके लिए एक ऐसे चॉइस है कैप्टनसी के जो आप लोग ग्रैंड लीग की टीमों में भी ट्राई कर सकते हो, मतलब जितनी भी आप टीम रेडी करोगे ना उनमें। लेकिन स्मॉल लीग की अगर मैं बात करता हूँ तो तौकीर खान से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है, चाहे इसने 6 विकेट क्यों ना ले लियो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन तौकीर खान है, क्योंकि तौकीर आपको हिटिंग भी देगा, तौकीर आपको बॉलिंग भी देगा। उसके बाद आपके फहद खान हैं, डी गोयानी है जिन्होंने फर्स्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, सेकेंड मैच में ये फ्लॉप रहे थे। दीपेंकर बैनर्जी है, फर्स्ट मैच में 7 रन, एक मतलब एक ही बार इनकी बैटिंग आई। मुबशर इनायत है, दो मैच में इनके 2 विकेट है और 5 रन है। उसामा अली है, 6 रन बनाए थे इन्होंने, और विजेश हैं जिनकी ना तो बैटिंग आई और ना ही इनको बॉलिंग मिली। ओपनिंग में तौकीर और जैनुल हसन, डेथ में जैनुल और इजाज। अब देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन हो गए, चार तो ये मतलब तीन प्लेयर तो ये हो गए, इजाज, जैनुल और तौकीर, उसके अलावा यहां से आपके इजाज, ठीक है ये तीन तो वैसे ही पता लग रहा है, ठीक है, और चौथा प्लेयर हो जाएगा आपका वरुण रेड्डी। ये चार प्लेयर फिक्स कर लेना कि आपकी टीम में होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप बेंच किन के कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं, तो जैसे मान लो कोई भी प्लेयर खेलता है, जैसे आज शब्बीर अली खेल रहा है, तो वैसे ही अगर इस मैच में भी कोई बेंच से खेलता है तो उसका स्टेट जो है ना आपकी स्क्रीन के सामने है। GSB या गोल्डन स्टार्स की तरफ से हसनैन नकवी ओपनिंग करेंगे, और फर्स्ट मैच में यही बंदे के कारण बहुत सारे लोगों ने ग्रैंड लीग मतलब मिस की थी ऑलरेडी, मतलब 49 रुपीज़ से 9,000 रुपये विन किए थे, क्योंकि इसका सिलेक्शन केवल 12% था और इसने 3 विकेट लिए, जो कि आराम से 100 पॉइंट्स आराम से दे रहा है, क्योंकि रन्स भी थे इनके 14, ठीक है 13। और उसके बाद सेकंड मैच में फ्लॉप रहे थे। नियामत सेफी है जिन्होंने फर्स्ट मैच में भी बॉलिंग की, अच्छी की थी बॉलिंग, लेकिन विकेट नहीं मिला। सेकंड मैच में बॉलिंग की बहुत अच्छी लेवल की, उसमें इनको एक विकेट मिला, ओपनिंग करेंगे। उसके बाद आएंगे पी बैरागी, फर्स्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस, सेकेंड मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस, तीन प्लेयर ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस टीम से। अमल है जो इतने इफेक्टिव रहेंगे नहीं, गुरी सिंह अगर टीम पहले बैटिंग करे तो इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्योंकि ये हिटर है और जैसे ही 10-12 बॉल भी खेली ये हिटिंग करके अच्छे खासे पॉइंट देंगे, स्पेशली ग्रैंड लीग वाले प्लेयर ट्राई कर सकते हैं। राहिब नवाबी बॉलिंग कर रहा है बंदा, फर्स्ट मैच में 1 विकेट, सेकेंड में विकेट लेस, लेकिन बॉलिंग अच्छी करता है। राजू इस्लाम नॉर्मल पिक, उसके बाद जाकिर खान नॉर्मल पिक, उसके अलावा लीला है जिन्होंने फर्स्ट मैच में भी बॉलिंग की, सेकंड मैच में भी बॉलिंग की, लेकिन दो मैच में इनके जो है 1 विकेट है। इम्तियाज़ सरदार है, बॉलिंग की लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। अब देखिए फर्स्ट तो इस मैच का जो ट्रम्प कार्ड है ना वो यही है, इम्तियाज़ सरदार।
अब उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। देखिए पहले तो ये देखिए ओपनिंग में बॉलिंग करेगा, इसका सिलेक्शन बहुत डाउन है, और यहाँ से ओपनिंग में बैटिंग कौन करेगा, ये करेगा अखिल सुगाथन। अब ये अखिल सुगाथन हालांकि मैं मना नहीं करूँ ख़राब प्लेयर है, लेकिन जो एक एक्सपेक्टेड चीज़ है ठीक है, क्योंकि हाई चांसेज है इम्तियाज़ जो है ना, ये जो प्लेयर है ये इस प्लेयर को आराम से ले जा सकता है। ये मतलब अगर ये टीम पहले जो है ना बॉलिंग करती है, मतलब ये जो वी रेड्डी वाली टीम है ये पहले बैटिंग करती है, तो इसका क्योंकि दो ओवर आना लगभग तय है, और देखिए दो ओवर आए ना आए, ये तो आपको भी मालूम है कि मैं कोई चीज़ आपको गलत बताता नहीं हूँ, बहुत ही गजब लेवल का बॉलर है। और ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं, आप इसके स्टेट्स के साथ भी देख सकते हो, 26 मैच में इसके 34 विकेट हैं, मतलब बंदा हर मैच में विकेट ले रहा है, और यही इस मैच का सुपर ट्रंप है। तो इस प्लेयर पे आपको फोकस करना ही करना है, बाकी जो अदर प्लेयर्स हैं ना उनको ऑलरेडी सिलेक्शन हाई है, तो उनके बारे में मैं आपको बोलूँगा तो आपको वही सेम चीज़ लगेगी जो ओल्ड बोल रहा है, ठीक है। उसके अलावा इनके देखो कि ओपनिंग में लीला है इम्तियाज़ के साथ, नियामत है पी बैरागी के साथ डेथ में, बेंच के इनके जो प्लेयर्स है वो स्क्रीन पे आपके सामने हैं। नाउ गाइस अब मैं आपको मेरी डेमो टीम दिखाता हूँ, जो फाइनल होगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो जो भी हमारे भाई वीडियो को देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन कर लेना। अच्छा डेमो टीम क्या है वो आप लोग देख लो। तो गाइस देखिए मेरी ये इस मैच की डेमो टीम रहने वाली है, आप इंटरचेंज कर सकते हो सीवीसी को, क्योंकि दोनों जो टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं मैंने उन्हीं को बना रखा है। अदर गुड ऑप्शंस जो कैप्टनसी में आप लोग जा सकते हो, एक तो जेड हसन है और यहाँ पे वी रेड्डी है, बट मैं इनको इसलिए नहीं बना रहा हूँ, देखिए जेड हसन को तो इसलिए नहीं बना रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लास्ट मैच में इन्होंने चार विकेट लिए तो इसमें भी चार ही ले, हो सकता है भाई मतलब एक दो ले ले, या फिर ये भी हो सकता है पाँच भी ले ले, लेकिन मेनली तो देखिए जो एक नॉर्मल थिंकिंग के साथ चीज़ें चलती है ना मैं उसके साथ चलता हूँ। तो मेरी ये 10 प्लेयर की टीम है, 11th प्लेयर मैंने अभी आपको बहुत मतलब बारे में बोला है कि भाई ये हमारा ट्रम्प कार्ड रहेगा, तो वही प्लेयर मैं लेने वाला हूँ। तो अगर मैं आपको 10 प्लेयर की टीम देता हूँ तो 11th प्लेयर आप समझ जाना कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ, अगर मैं आपको 11th की देता हूँ पूरी टीम तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। यही रीज़न से वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, सेम टीम जहाँ भी आप खेलते हो वहीं पे आपको यूज करनी है, इन्वेस्टमेंट आपको नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा कम, ठीक है। बाकी जो चेंजेस वगैरह होंगे वो शेयर कर ही दूंगा मैं टेलीग्राम पे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।